के जंतर मंतर पर आयोजित रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रचार के लिए युवाओं को उकसाने के मामले में आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि वो मंगलवार को दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में वो अपने खिलाफ सभी आरोपों से कथित तौर पर इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पिंकी चौधरी का जो वीडियो व्हाट्सएप और कुछ अन्य सोशल मीडिया मंचों पर जारी हुआ है उसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे और निराधार हैं। इस वीडियो में पिंकी चौधरी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मंगलवार दोपहर 12 बजे वो कनॉट प्लेस थाने में आत्मसमर्पण कर देंगे और जांच में सहयोग करेंगे। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं, मैं और मेरे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने जंतर मंतर पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अदालत का सम्मान करता हूं। मैं कल 31 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे कनॉट प्लेस थाने में आत्मसमर्पण करूंगा और पुलिस के साथ सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा गिरफ्तारी के डर से मैं कभी नहीं भागा, अदालत जाना हर व्यक्ति का अधिकार है और मैंने भी वही किया। मेरे खिलाफ सभी आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। मैंने अपनी जिंदगी हिंदुत्व के लिए समर्पित की है, जब तक मेरी सांस है मैं धर्म के लिए काम करता रहूंगा। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिंकी चौधरी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में एक सत्र अदालत ने चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।